1 कप गेहूं के आटे से इतनी अच्छी रेसिपी बनेगी, आप कभी सोचे नहीं होंगे। अगर आपके बच्चे मैगी पास्ता के लिए परेशान करते हैं ना, तो ये रेसिपी आपके लिए, अगर आप एक बार बना के खिला देंगे ना, वो तो कभी आपसे मैगी पास्ता नहीं हाय मांगेगी। एवरीवन, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल खुशबू शुक्ला एंड ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं बस। और नीचे आपको रेड कलर के बटन दिख रहे होंगे ना, उस पर क्लिक करिएगा, फ्री में सब्सक्राइब हो जाएगा, आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। और मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और हाँ जी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बस जिस तरह आपने अभी तक मुझे सपोर्ट किया है, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए, आगे भी इस तरह बनाए रखिए। और जो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं उन्हें दिल से थैंक यू सो मच। तो चलिए देखिए क्या बनाना है। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए आप लोगों के लिए आज क्या नई डिश लेके आए, लेट्स गो स्टार्ट। तो इसके लिए मैंने ले ली है 1 बड़ी थाली, उसमें हमने जो है 1 कप गेहूं का आटा लिया है, और इसमें हमने आधा चम्मच अजवाइन, इसमें हमने एक सीक्रेट मसाला यूज किया है। अगर आप वो मसाला यूज करके बनाएंगे ना, यकीन मानिए कि आप मुझे कमेंट में आके बोलेंगे कि बहुत ही अच्छा बना है दी। और हमने इसमें जो है आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल यूज किया है, और इसको हम अच्छे से आटा को गूंथ लेंगे। हल्का हल्का पानी डाल के गूंथना है, नहीं तो आटा जो है हमारा गीला भी हो सकता है। तो अभी हमारी आटा भी जो है डो तैयार हो गई है, जिसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। और इधर हमने जो है 2 टमाटर, 1 शिमला मिर्च और 3-4 हरी मिर्च ले ली है, और जो है थोड़ी सी पत्ता गोभी कट करके रख लिया था। और इधर हमने रख दिया था कढ़ाई में पानी जो हमारा बॉयल हो रहा था, इसमें हमने 1 चम्मच तेल यूज कर दिया है रिफाइंड। और आप देख सकते हो ना, हमने ऐसे कटिंग कर करके छोटे छोटे डाला है। अगर आप इसे एक बार बना लेंगे ना, तो आप बार बार बना के खाएंगे, ये मैं अपनी गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। तो ये देख लीजिए हमारा जो है अभी इसमें उबाल आने लगी है ना, और आप इसको क्या पहचाने, मतलब जब ये हो जाएगा पक जाएगा तो ये सारा मतलब ऊपर आ जाएगा। तो अभी हमारा जो है ये पक चुका था, तो हमने इसको प्लेट में, दूसरे प्लेट में निकाल लिया। और अभी जो हमारा और है, हमने आपको दो तरीके से बताया, जैसे कि आप मतलब उबलते पानी में भी डाल सकते हो। अगर आप मतलब जो है आपको जैसे उधर हो रहा है दूसरा भी आपको वो तैयार करना है दूसरा प्लेट में भी, तो आप क्या करिए कि जो है एक प्लेट ले लीजिए, चक्कू हो या किसी भी हो, कैंची हो, आप किसी भी बिजनेस से ऐसे कट करके रख सकते हो कि आपको मतलब उधर भी हो जाए और इधर भी आपका तैयार हो जाए। तो हमारा जो है फिर से पानी जो है ऑयल है हमने इसमें ऐड कर दिया है, और इसमें 0 ऑयल लगता है, मतलब जैसे हम सब्जी वगैरह बनाते हैं ना उसी तरह है। तो ये भी हमारा हो चुका था, हम इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो ना कितने अच्छे से हो चुका है, और पीसेस इसकी कितनी अच्छी लग रही है। तो हमने फिर से कढ़ाई जो है ढक दिया है गर्म होने के लिए, हमने उसमें 1.5 टेबल स्पून तेल ऐड किया है, और इसमें हमने राई, जीरा तड़का के लिए, और जो है हरी मिर्च, हमने इसमें लाल मिर्च नहीं यूज किया है क्योंकि बच्चों को खाने के लिए फिर ज्यादा तीखा हो जाता है ना। अगर आप मतलब चाहते हो तो आप जो है लाल मिर्च पाउडर भी यूज कर सकते। तो हमारा जो तड़का हो गया था, तो हमने इसमें जो शिमला मिर्च कट करके रखे थे और पत्ता गोभी वो भी ऐड कर दिए हैं, और इसको चला के रख दे रहे हैं थोड़ी देर कुक होने के लिए। और अभी हम टमाटर भी ऐड कर देंगे, 2 मिनट हमने चलाया, उसके बाद हमने टमाटर भी ऐड कर दिया है।
और इसमें हमने आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया है और इसको चला के ढक के रख देंगे कुक होने के लिए। तो आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो हमने इसमें आधा चम्मच रामदेव का गरम मसाला ऐड किया है और 2 चम्मच सूखी धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी। को अच्छे से आपको भून लेना है मसाला को और थोड़ी देर चलाने के बाद इसको फिर से ढक के रख देना है, अच्छे से मसाला हमारा जो है पक जाए। उसके बाद आप देख सकते हो ना हमारा मसाला पक चुका है। तो हमने जो आटा क्यों बनाया था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से हम चला देंगे। आप देख सकते हो ना कितना बढ़िया सा कलर आया। कोई कह सकता है कि हमने इसको गेहूं के आटे से बनाया है? कोई नहीं कह सकता। आप जिसको खाने के लिए देंगे ना वो भी पूछेगा कि आपने कैसे बनाया भाई। इसको हम फिर से 2-3 मिनट के लिए रख देंगे ढक के, हमारा जो है अच्छे से पक हो जाए। तो अभी आप देख सकते हो ना अच्छे से जो हमारा पक चुकी है और इसमें हम थोड़ी सी ऊपर से गार्निश के लिए हरी धनिया ऐड करेंगे। तो हमारी रेसिपी, अभी हमने बोला था ना कि एक मसाला ऐड करेंगे, तो हमने इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर यूज किया क्योंकि हमने इसमें कोई सॉस नहीं यूज किया है, कोई कुछ नहीं यूज किया है, इसीलिए हमने इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर यूज किया है। हम 1 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब आप देख सकते हो ना हमारा फाइनल लुक। अब चल रहे हैं हम सर्विंग प्लेट की तरफ। वाओ कितनी अच्छी लग रही है ना, पास्ता से भी अच्छी लग रही है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और आप भी बनाना और कमेंट में आके बताना कि हाँ कैसी बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है। हाँ यार भाई सबको बहुत पसंद आई, यकीन मानिए कि आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। और गर्मा गर्म सर्व करिए, सबको खिलाइए, आप भी खाइए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।